नीचे भगवान शिव जी की प्रतिमा है, बीचों बीच दिख रही होगी आप लोग त्रिशूल से स्नेक कमंडल नंदी वाहन, ये अलग अलग देखा ना उनके वस्त्र वगैरह और उनके जो ऑर्नामेंट दिखिए, उनके मुकुट वगैरह दिखिए, कितना सुंदर है भगवान शिव जी का। और शिव जी के फिर दिखिए इस तरफ की राइट हैंड में एक अप्सरा बांसुरी वादन करती दिख रहा है, बांसुरी बजा रही है। एक्चुअली यहाँ उसी बांसुरी बाजी को मैं समझा रहा हूँ, देखा ना अभी सर अपने जो हाँ जी जी हाँ क्या कर रहे हैं हाँ तो मैं सर बोलूँ तो जो बांसुरी बजा रही है तो उस आर्टिस्ट ने बैक बॉडी को दिखाना चाहा तो यहाँ पर ही उसके बालों के जुड़े में लटकन देखो उसकी उंगलियाँ देखो जो मूविंग चला रही है बांसुरी पर, देखा आपने उसकी उंगली देखो आप बांसुरी पर रखे हुए बिल्कुल बिल्कुल, उसके नीचे पैर देखते हो आप बिल्कुल पैर देखिए जैसे लेगिंग्स चलते ना स्किन टाइट वो वस्त्र दिखलाना चाह रहे और एक पैर उसका हवा में उड़ती हुई दिखला है, जो लाइफ थर्कन होती है उसकी एड़ी एक पीछे आ रही बड़ी गौर से देखना, तो जो लाइफ थर्कन आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है वो देखिए कितना गजब का दिखला है। और उसी के इस भगवान शिव जी के कॉर्नर पे अप्सरा को दीवार में पेंटिंग करते दिखलाया गया, पेंटिंग ये बोल दीवार बोल पेंटिंग कर रही है देख गया ना उसी शिव जी के कॉर्नर पे देखो उसी उसी लाइन में देख रही ना पेंटिंग कर रही है पेंटिंग कर हाँ। तो उस समय भी औरतें पढ़ाई लिखाई म्यूजिक कुछ पेंटिंग में भी रुचि रखती होंगी, ये कल्चर शो कर रहा है जी भी पार्वती है ना शिव जी की पत्नी उन्हीं को दिखाई मतलब अंदर भगवान की मूर्ति है तो उनको गंगा स्नान करके जाना चाहिए, पवित्र मन के साथ जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ जाना चाहिए। स्वप्न दो पवित्र नदियां हैं गंगा और यमुना नदी, तो गंगा नदी का वाहन मगर है, यमुना नदी का वाहन कछुआ है। तो एक सिम्बलाइज किया गया कि अंदर अपन जाने के पहले गंगा जी स्नान करने नहीं जा सकते, दोनों तरफ भी उनका वाहन मगर बनाया गया, गंगा नदी का वाहन मगर है और के मगर के मुँह से जो पानी की बूंद दिखलाई गई, एक एक मगर के मुख के पानी की बूंद है। तो अंदर जाएंगे तो अपन गंगा स्नान होके जाएंगे, उसमें छोटे छोटे एंजल्स वगैरह बनाए गए जो नृत्य कर रहे हैं डांस कर रहे हैं जी विद्याधर किंदन हाँ ये अंदर वेलकम करते अपन डांस करते तो अंदर जाते अपना वेलकम करते हैं तो अपन शुद्ध होकर जाते हैं गंगा स्नान वो दिखलाएंगे। प्लीज अब जूते खोलना है और चलना है। किया था मैं तो उसकी भी दाद देता हूं। जी जी आइए। अरे जो हाँ जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया ये तो अंदर जाएंगे तो गंगा स्नान करके जाएंगे और अपना वो आप हम जैसे मन पवित्र तो सब मन चंगा अच्छा फोटो मैं बोलूं क्या इसमें ये चंद्र से लाया इसमें आधा चांद बना हुआ है, दोनों संघ तर्पी संघ बने हैं इसके तीन लॉजें सर। चंद्रमा पीस शांति का प्रतीक होता है और संघ धर्म का प्रतीक होता है, शांति और धर्म में जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे है कि नहीं। और देखिए संघ क्यों बजाते हैं मंदिरों में, क्योंकि संघ बजाने से जितने भी निगेटिव एनर्जी है तो होती है वो बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है और संघ बजाने से साइंटिफिक रीजन लंग्स वगैरह स्ट्रांग हो जाते हैं होते कि नहीं। तो ये है और दूसरा जो चंद्रमा थे उनने हेमावती वो कंवारी लड़की थी जो मैंने स्टोरी बताई थी उनके साथ उनका संबंध हुआ था, तो अपने यहाँ कंवारी पर में गर्भ धारण हो जाना अशुभ मानते हैं तो इस पर सब कोई पैर रखेगा चंद्रमा पे तो उसके पाप धुल जाएंगे हेमावती के। तीन तीन लॉजिक इसको देखा, इसको चंद्र से लाभ बोला जाता है। इसको बोलते हैं अर्धमंडप, लुक एट द सीलिंग की कार्विंग देखिए, लुक एट द ब्यूटी, एक एक पत्थर उसको फंसाया गया इंटरलॉक सिस्टम में, इसकी झूमर देखिए, इसको अर्धमंडप बोला जाता है, इसको वेलकम गेट झूमर पत्थरों से बना हाँ पूरा। तो ये अर्धमंडप है, दूसरा भाग जो मंडप है इसमें भी डिफरेंट नक्काशी दी गई है और जो शिलालेख साहब उसी पीरियड का है हाँ, ये अर्धमंडप जो मंडप है नहीं वो नहीं अंतराल में बताऊंगा, अंतराल आगे है हाँ। और देखिए जी उषमा के शिलालेख है इसी के अनुसार खतराव का इतिहास में देवनागरी लिपि, उस समय आपको पाली प्राकृत ये भाषा होती थी, देवनागरी लिपि प्राकृत भाषा है, इसमें लिखा है आप बड़े गौर से पढ़ेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो सब आप समझ में आ रहा है सच बात है। तो समय का जिसमें लिखा हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप बड़े गौर से इसको पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा जिस राजा ने बनवाया था उनका पूरा इतिहास लिखा है, कब मंदिर बनवाया
है कि नहीं, कैसे बना ये सब लिखा उनका, राजा का इतिहास उस समय का मंदिर का, भगवान विष्णु की आरती वगैरह लिखी गई है। हाँ, काफी आप पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, तो उस समय का शिलालेख है जी। हाँ, ये महामंडप इसको इंग्लिश में बोलते हैं डांसिंग हॉल। जब उस समय पूजा अर्चना होती थी तो धार्मिक चर्चा नृत्यगान वगैरह यहाँ हुआ करती थी। और देखिए हर मंदिर में 5 क्रॉस वेंटिलेशन बनाए गए हैं 40 देखिए प्रॉपर, 2 यहाँ देख रहे, 2 उस तरफ ही हैं। ये क्या बनाए गए? क्रॉस वेंटिलेशन, 2 यहाँ हैं, 2 साइड में हैं, 1 पीछे हैं, जिससे कि प्रॉपर लाइट और प्रकाश अंदर आती रहे, कोई सफोकेशन नहीं हो रहा। देखिए अब जून में घूम रहे हैं, कितना बढ़िया, जैसे कूलर लगा हो। तो समय का जो वास्तु शास्त्र यूज किया गया उस समय का आर्किटेक्चर देखिए आप, बहुत एडवांस है कि नहीं। तो ये महामंडप है, प्लीज आए प्लीज यहाँ पर देखिए प्लीज। इसको बोलते हैं अंतराल, या इसको इंग्लिश में वेस्टिब्यूल, ये वाली जगह है। जब समय पूजा अर्चना होती थी तो पुजारी लोग यहाँ बैठते थे, पूजा अर्चना किया करते थे जी। ये लास्ट वहाँ आगे इसको बोलते हैं गर्भगृह या सेंक्टम सेंक्टोरियम। प्लीज ऐसे हो जाए, प्लीज एक प्लीज सर ऐसे आ जाए, प्लीज ऐसे आ जाए, प्लीज अब प्लीज ऐसे बैठे। अब आप देखिए लेफ्ट, प्लीज सुनिए एक मिनट। अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु की वैकुंठमयी मूर्ति, 3 हेडों वाली मूर्ति, ऐसे प्लीज ऐसे ऐसे आ जाए, 3 हेडों वाली मूर्ति। लेफ्ट और राइट में अंधेरा है, भगवान विष्णु की मूर्ति पर पूरी लाइट जा रही है, पूरी लाइट जा रही है। क्यों? ये सब पूरा वास्तुशास्त्र से बनाए गए हैं। अपने आप वास्तु, हाँ मैं बता रहा हूँ, अपने आप वास्तुशास्त्र में कितनी दिशाएं मानी गई हैं? 10 दिशाएं होती हैं, आकाश और पाताल मिला के 10। पहले 8 होती ना, अष्ट देखपाल जिसको बोला जाता है कि नहीं है। पूरा पश्चिम उत्तर उसके कोण बनेंगे, इंद्र ईशान अग्नि वरुण वायु, आप समझ रहे हैं, आकाश पाताल मिला के 10 दिशाएं। तो सभी ये ईस्ट फेस के मंदिर हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, क्योंकि सूर्योदय ईस्ट से होता है। तो सनराइज जो होती है, सूर्य की पहली किरण होगी, भगवान विष्णु को टच करेगी, स्वागत कर रही है। हाँ, विष्णु को टच करेगी, विष्णु का मंदिर तो विष्णु को, शिव का मंदिर शिव को। और जो समय का साइंटिफिक रीजन है, ये रिफ्लेक्टर है, प्लीज यहाँ देखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद अंदर जा रहा, अंदर है। अभी आप खड़े हो जाओ, अंधेरा हो जाएगा, प्रैक्टिकल करिए प्लीज, वहाँ खड़े होइए, आप जाइए प्लीज, ये रिफ्लेक्शन अंधेरा हो जाएगा मूर्ति पर, हो गया ना। अब एक तरफ ही हो जाइए, अब एक तरफ हो गया। हाँ, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया गया, ये साइंटिफिक रीजन, लुक एट द ब्यूटी, अंधेरा हो गया यहाँ से। अब जल्दी बैठिए, फोटो एक थोड़ा थोड़ा पैर हटाइए। अरे सर अभी एक फोटो लेते हैं आपकी, बहुत सुंदर आएगी, जल्दी कैमरा दीजिए, अभी भीड़ नहीं, क्योंकि भीड़ आ जाएगी। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए यहाँ। दूसरा कछुआ टोटवाई सा अवतार, ठीक है ना, तीसरा वराया अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा बावन अवतार, परशुरामा, और लास्ट में कलयुग में कलकी अवतार नीचे बना हुआ। अगर आप लोग देख लें कलकी अवतार, देखना आप लोगों को, अंदर जाना पड़ेगा, भगवान विष्णु के स्तर पे पैरों के पास है, अगर देख के जाना, मंदिर काफी दिनों से खुले, लाइट जला के जाओ, उनके पैर बने सफेद घोड़े पर, वो खड़े हुए हैं। मैं किसी को कम बताता हूँ, आप लोगों का इंटरेस्ट देख रहा हूँ, चोरी सफेद घोड़े पर है इस तरफ में, हाँ उस तरफ, उस तरफ जाओ सामने, अरे पैरों के सामने देखो, पैरों के पास उस तरफ सफेद, अरे उस तरफ मेरा हाथ देखो, पहले मेरा हाथ देखो, उनके भगवान विष्णु के पैर है उस तरफ आओ, और उस तरफ आओ, अरे ये घोड़े पर नहीं देखा, हाँ जय जहाँ लाइट, एक आदमी बैठा है, जय जय जय, अरे उसके बगल, उसके आगे भी जय, हाँ जय जय जय, कल की होता है, हाँ कल किया होता है, देखो सफेद घोड़े पर होना है जी। अलग पत्रस में होल किया गया, ऐसा फिक्स किया गया, उसी समय की नंबर, आप समझ रहे जी, अलग जी अलग जी अलग जी अलग जी, उसी के कोड वर्ड्स को मैसेज किया गया होगा। इसमें होल है भाई जी, अलग पत्थर, इसमें होल है, यहाँ देखो आप हाथ लगा के, ऐसा फिक्स किया है जी, अलग है, इसको पजल होता है ना, पजल, आप समझ रहे, पजल, मेल फीमेल, और इसके ऊपर नंबर डाला है इन्होंने, हाँ इसमें भी नंबर, इसके साथ इसको फंसा दिया जी, अलग है जी, अलग है मालिक, क्योंकि सीमेंट होती नहीं थी, हाँ वही इंटरलॉक सिस्टम से फंसा, गजब का तकनीक, ग्रेविटी यूज किया। अब ये क्या है, कौन सी, नहीं इंटरलॉक तो है ही है, ये देवता कौन है, अग्नि, नहीं अग्नि देवता है, ब्रह्मा के 4 होते हैं, ब्रह्मा के तो अग्नि देवता है, दाढ़ी में नोट है, इट्स कॉल्ड अग्नि कोण। अपन साउथ ईस्ट में क्या बनाते हैं, कौन सा कोण है जी, ईस्ट वेस्ट साउथ, जी नॉर्थ है ना, इसको साउथ ईस्ट मीन्स अगन्य कोण है जी, जो अष्टदिक्पाल होते हैं ना, तो घर का किचन कहते हैं, हाँ साउथ ईस्ट में होना चाहिए, ओके चलिए, हाँ बस बस हो गया, मैंने एक हिंट कर दिया। यहाँ पर देवताओं के राजा, गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यम है, हर मंदिर पे बने हैं, अपन दूसरे टेम्पल भी इस पर देखा है, बड़ा खोपड़ी लिए हैं, यम साउथ डायरेक्शन में होते हैं मर्द, यम के बगल में निरुति होते हैं, जब भगवान शिव जी का रौद्र रूप होते हैं, नग्न होते हैं, शिव जी का रौद्र रूप, नैनेत्र कोण उसको बोलते हैं अपन।
जी आप देखिए भगवान विष्णु का जी नरसिंह अवतार प्रहलाद के फादर थे, हिरण्यकश्यप उनको वरदान था कि मैं दिन मरूं ना दिन में मरूं ना रात हो ना अस्त हो ना सस्त हो ना औरत हो ना आदमी हो ना दिन हो ना रात हो। तब भगवान विष्णु ने चेहरा शेर का था बॉडी आदमी की दिना कुनो फेट पाड़ दिया था। हाँ वही मतलब आकाश ना पाताल ना धरती ना आसमान ना दिन ना रात सब। किस तरीके से इसको इंटरलॉक किया गया है।